शिवपुरी जिले के तेंदुआ थाना क्षेत्र के लेवा गांव में एक ग्रामीण पर 7 लोगों ने मिलकर जानलेवा हमला कर दिया। घायल का कसूर इतना था कि उसका भतीजा आरोपियों के परिवार की लड़की को लेकर भाग गया था। पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ बलवा सहित मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार लेवा गांव का रहने वाला कल्याण धाकड़ आज दोपहर जगदीश धाकड़ के घर के बाहर चबूतरे पर बैठा हुआ था। इसी दौरान गांव के रहने वाले जगदीश धाकड़, लक्ष्मण धाकड़, राधा वल्लभ धाकड़, रिंकू धाकड़, दिलीप धाकड़, रामसिंह धाकड़ और पहलवान धाकड़ एक राय होकर हाथों में लाठी और कुल्हाड़ी लेकर आए और बिना बात किए कल्याण धाकड़ पर टूट पड़े। एक साथ 7 लोगों ने कल्याण पर जानलेवा हमला बोल दिया। इसी दौरान पहलवान धाकड़ ने कल्याण के सिर में कुल्हाड़ी मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। कल्याण को अधमरा छोड़ मौके से सभी आरोपी फरार हो गए। झगड़े के बाद कल्याण धाकड़ को उपचार के लिए कॉलेज के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार कल्याण धाकड़ का भतीजा विनोद धाकड़ उक्त आरोपी के परिवार की एक युवती को भगा ले गया था। गांव से भागे विनोद और युवती का कोई सुराग नहीं लग रहा था। परिवार के लोग इस बात से नाराज थे और उन्होंने कल्याण धाकड़ पर जानलेवा हमला बोल दिया। आपका कल्याण कहाँ रहते हो? लेवा। क्या घटनाक्रम हुआ है आपके साथ? कौन ने मारपीट की है? वो तो मुलाकात थी, फिर वो तो 6-7 आदमी की एफ आई आर है। कितने लोग थे? आज तो मध्य बैठे से 40 आदमी है। 40 आदमी। और एफ आई आर कितने के खिलाफ हुई है? किस बात को लेके मारा है आपको? वो मोड़ी ने वाके बयान दे दे मोड़ा के, तो मैं वहाँ को साउ लग दू आने का घर घेर का पीट लो। तो मोड़ी के पहले बातचीत चलती थी कभी? रिलेशन है दिखे तो पहले से ही, उनके बाप पतो है, मेहता ये पतो है, सब परिवार ही पतो है। फिर ब्याह कर रहे थे, ब्याह करने के बाद परिवार के ने मैंने रोक लगा रही। बाकी कर रहे थे? बाकी कर रहे थे? शादी कर रहे थे घर से ही के बाद? फिर बन के परिवार ने शादी करने में रोक लगा ले। ठीक है, फिर रोक लगाने के बाद में फिर उन्हीं जो 29 तारीख की उसकी दूसरी मोड़ी की शादी है, उसी की बहन की, उसी की बहन की। अब 29 तारीख के बाद में फिर वो मोड़ी भी वंश से संबंध कर रहे, सो मोड़ी ने जैसे कह दी कि मैं बहन नहीं कराऊँ, मैं सही कराऊँ। और मोड़ी एक आदमी पीट फाट कर भगा दी गई। इसके बाद में मोड़ा से कह दी कि अपन तो भग चले, भग गए। भग गए? फिर मिल गए थे? नहीं मिले, तो अभी भी पता नहीं है। नहीं, कल बयान करा ले गए थाने पर। बाप आला और थाने पर भी मोड़ा के पक्ष में बयान दें तो परिवार के न्याय के मुँह से हमला कर दो। तो ये बच्चा क्या करता है आपका, कहाँ रहता है? बच्चा तो वो धंधो करते टमाटर न को है, ऐसा व्यापार। लड़की? लड़की तो पे घर ही रहती है। क्या नाम है? मतलब कौन समाज है लड़की? धाकड़ी। धाकड़ी है? कोई पहले से रिश्तेदारी है क्या आपकी? नहीं, रिश्तेदारी तो नहीं है, वैसे भी अलग है, हम अलग है, गोचिया भाई नहीं है। अच्छा, गांव आप ही के गांव के रहने वाले? हाँ, हैं। लड़की जी और ये मिले कहाँ पे थे? हाँ, जब बयान वगैरह के लिए बुलाया गया होगा, पुलिस ने मामला दर्ज किया। तो कई कई से मारा है आपको? लाठी से और खुलाई से। और भी लोग घायल है क्या? आप ही अकेले हो? नहीं, मैं अकेले ही गेला, सब बच गए थे कोई। वे तो मैं पकड़ लाओ थे, वो तो 2-3 बहू बेटी ने मैं दाव लाओ। इसलिए कहाँ पे मतलब मारपीट की आपके घर में? मारपीट तो दूसरे घर है करीब, वो हमारे घर से छोड़ गए और मैं दुख भी गाँव दूसरे घर है तो बैं पकड़ लाओ बनवारी घर। अच्छा, तो बन तो जगदीश ने और जगदीश की मेहता आई ने धनो ने और जगदीश की घरवारी गुड़िया ने मैं दाव लाओ तो मुँह में लट जाएगा, तब उन्हीं में गहरोश होगा। फिर अस्पताल में कौन ने भर्ती कराया आपको? अस्पताल में जी हमारी मुड़मुड़ी लाए जीप से। अच्छा अच्छा, तो थाने पर किसकी शिकायत? सोनम मरे थाने में, सोनम मरे फ़ोन लगा दो, कोई नहीं आओ थाने में फ़ोन लगा लो, बाद में पहुँचिए पुलिस। इसके बाद में देख देख बार तब दूसरे की जीप लाए, तब वो डार कहें